अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। ये हम पहुंचे हुए हैं आज बफर जोन, जो बफर जोन का एरिया है सेक्टर 16 है, जहां की कंडीशन हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए। और सिंध गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, तो उनको लोगों का पता ही नहीं है कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। पेट्रोल के हवाले से चले जाएँ, गैस के हवाले से चले जाएँ, बिजली के हवाले से चले जाएँ, अदर एक्टिविटी देख लें आप, कराची की पूरा तबर बर्बाद हो गया। कराची के लिए बहुत सारी परेशानियाँ सामने आ गई हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली सर फोकस करें कि हर बंदा परेशान हुआ है। कुछ व्यू दिखाता हूं जो बफर जोन सेक्टर 16 है कि क्या सूरत हाल है। जार का मेन गली है ये, जहां से लोग आते हैं और जाते हैं और कितनी मुश्किलों से परेशानी से जा रहे हैं। आए मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूं। ये देखें आप, ये मेरा कैमरामैन दिखाएं जरा नीचे करके फोकस करके कि देखिए किस तरह की यहाँ की हालत है। ये पूरी गली जाने आने का रोड है और क्या सूरत हाल है। यहाँ पे लाइने डाली है, पानी की लाइन है, सैवरेज की लाइने आ रही है, क्या किया है डाला है और ऐसे छोड़ के चले गए। ये निज़ाम है इस जगह का। और अभी मैं आपको इस तरह के काफी व्यू दिखाऊंगा। मैं आपको पेट्रोल पंप भी लेके जाऊंगा, पेट्रोल पंप पे लोगों के कमेंट्स दिखाऊंगा कि पेट्रोल के हवाले से लोगों के क्या कमेंट्स हैं। गार्बेज का भी दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा व्यूअर्स, अब हम पहुंचे सेकंड व्यू की तरफ, जहां मैंने आपसे कहा था कि गार्बेज का मैं हाल दिखाऊंगा आपको। ये देखें गार्बेज का क्या हाल है। कराची का नागन चौरंगी का इलाका है और ये गार्बेज का यहाँ का ये हाल है। मेरे ख्याल से इलाका मकिन यहाँ पे खुद कुछ सफाइयां फाइयां कराई हैं। ये पूरा गार्बेज का हिस्सा बना हुआ था जो कि अब थोड़ा बहुत साफ हो गया है। मेरे ख्याल से कुछ यहाँ के इलाका मकीन है, उन्होंने कराया है, किसने कराया ये तो हमें नहीं पता। शायद ये कुछ खड़े में इलाका मकीन, इनसे बात करूंगा जाके मैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि अभी यहाँ की सूरत हाल क्या है। चले आए चलते हैं कुछ इलाका मकीन से बात करते हैं। सर ये जो जगह अभी तो फिलहाल मैं साफ देख रहा हूँ, उससे पहले यहाँ पे इतनी बिसान बदबू, आने जाने वाले लोगों को जो परेशानी होती थी, ये जो काम करवाया ये सिंध गवर्नमेंट ने करवाया या लोगों ने यहाँ पे अपनी मदद आप कराया? ये हमने टॉम में बात करके उस्मान पब्लिक स्कूल ने इसमें एफर्ट की है और उस्मान पब्लिक स्कूल इसको जो है वो काम को सरंजाम दे रहा है। आप ये ग्रीन शर्ट देख रहे होंगे जो लग रहा है, ये मुकामी लोगों से मिल के जो है इस काम को किया गया और टाउन ने हमारे साथ इसमें बहुत कॉपरेट किया है। अच्छा, न्यू ग्रांची टाउन ने आपको सपोर्ट किया? न्यू ग्रांची टाउन ने हमें सपोर्ट किया है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। उस्मान पब्लिक स्कूल इसमें कैंपस 50 की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने इस पर पूरा किरदार अदा किया है। आप लोगों ने बात सुनी होगी कि ये जो काम कराया गया है ये यहाँ के इलाका मकीन है और उस्मान पब्लिक स्कूल है जिनकी काविशों से ये काम किया गया है। सिंध गवर्नमेंट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पार्टी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जी बस अब हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। अब हम पेट्रोल पंप पे लोगों के कमेंट्स भी लेंगे कि पेट्रोल के हवाले से लोगों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, कराची की आवाम के बस से बाहर हो चुका है। और सिंध गवर्नमेंट मजीद जितनी भी हुक्मरान है उन्होंने कराची के ऊपर खास तौर पर एक ऐसा मिजाइल मारा है पेट्रोल के हवाले से, 35 रुपए का बम मारा है कराची की आवाम के ऊपर, जिसकी वजह से कराची की आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। आए लोगों के कमेंट लेते हैं कि कराची की आवाम पेट्रोल के हवाले से क्या कह रही है। एकदम कराची की आवाम के ऊपर 35 रुपए का बम मारा गया है और 35 रुपए पेट्रोल महंगा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कराची आवाम के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के ऊपर एक जो है ना एटम बम जो है ना वो जो है ना मारा गया है। कि पहले इंडिया मारने वाला था, इंडिया ने तो नहीं मारा, हम लोग इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया एटम बम मार देगा, तो इंडिया ने तो एटम बम नहीं मारा या यूरोप ने किसी ने एटम बम नहीं मारा, मारा किसने? चोरों ने, डाकुओं ने। जो ब्रांड कराची की आवाम पे डाला गया उसकी वजह से कराची की आवाम बहुत ज्यादा गुस्से में। सर एकदम 35 रुपए का ब्रांड कराची की आवाम के ऊपर, आपने एक ए दिया 35 रुपए, आप ये नहीं देख रहे चोर बाजारी 250 रुपए 50 पैसे 49 रुपए 80 पैसे गवर्नमेंट का रेट है। ये बता दीजिएगा एकदम कराची की आवाम के ऊपर 35 रुपए का बुरान डाला गया है, बम मारा गया है और पेट्रोल महंगा किया गया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई हम क्या कह सकते हैं भाई, ये तो गवर्नमेंट को यानी सोचना चाहिए कि जो है भाई हम गरीब यानी तबका जो है भाई ये मोटरसाइकिल वगैरह यही इस्तेमाल करते हैं और उसके हिसाब से जो है भाई इनको यानी कम करने चाहिए। गवर्नमेंट ने जो एकदम 35 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, कराची की आवाम के ऊपर बम मारा है, वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल को कम किया जाए। एकदम कराची की आवाम के ऊपर 35 रुपए का बम मारा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो पेट्रोल महंगा किया ज्यादती है, सीधी बात है, जो सारे हुक्मरान जो बैठे हैं जो माफिया जो है उसका तो काम यही है आवाम को तोड़ना, अपनी ऐसी पूरी करना है। ये बताइए कि कराची की आवाम के ऊपर जो इतना बड़ा बम मारा गया 35 रुपए का, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जो पेट्रोल महंगा किया है भाई, इनको चाहिए कि जो है ना ये आवाम को जो जलील कर रहे हैं ना, इनको दफा हो जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा नजर ना आए 35 रुपए जिन लोगों ने बढ़ाया, क्या सोच के बढ़ाया यार, पहले कारोबार नहीं है ना रोजी है ना
कोई बेरोजगारी फैली हुई है और ये महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? आवाम को जलील किया है लोगों ने और कुछ भी नहीं किया, यही कह सकता और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को यहाँ से दफा हो जाना चाहिए और हमारी जो इन लोगों ने हालत कर दी है, 35 रुपए एकदम पेट्रोल, पहले ही पेट्रोल इतना महंगा था उसके ऊपर 35 रुपए बढ़ा दिए गए तो 250 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। सर एकदम हुकूमत ने 35 रुपए पेट्रोल बढ़ाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे कि गलत है ये, चलो 5-10 होते थे पहले तो, अब इस मरतबा तो भाई 35 रुपए ऐसे एकदम से झटके से बढ़ा दिए। IMF की हर बात मान रहे हैं ये लोग, कभी तो बहादुरी दिखाएं, उनको मना करें IMF वालों को, भाई इस तरह नहीं होता, इंसान है यहाँ भी, कोई जानवर थोड़ी है जो इस तरह कर रहे हैं ये लोग। जिन जिन से बात करिए, कोई कुछ बोल रहा है हुकूमत के बारे में, कोई कुछ बोल रहा है हुकूमत के बारे में, कोई कुछ बोल रहा है हुकूमत के बारे में, 35 रुपए का बम मारा गया है पेट्रोल के हवाले से। कराची की आवाम की सख्त खत्म हो चुकी है और लोग परेशान हो रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। सर एकदम कराची के आवाम के ऊपर 35 रुपए का बम मारा गया है पेट्रोल के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि यार बहुत गलत हो रहा है ये कि पेट्रोल जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो है कि कम कराया है, हुकूमत से अपील है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी कराची के अंदर 35 रुपए का जो बम मारा गया है पेट्रोल के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे यार, पहली हालात इतने खतरनाक चल रहे हैं, इन्होंने महंगाई इतनी हुई हुई है और हर चीज़ महंगी है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे और पेट्रोल और बढ़ा के और परेशान कर दिया इन्होंने। बम मारा है कराची वालों के ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेट्रोल वाले सर जी मैं बताता हूँ, बहुत परेशान कर दिया हम लोगों का। देखो भाई क्या वाला तो क्या गुजारा हो जाता है, सवारी को पैसा बताता है तो बोलता है कि 150 दूंगा 200 दूंगा, लेकिन एकदम 35 रुपए बड़ा कर दिया, बहुत परेशान कर दिया ये लोग ने। ये बता दें हुकूमत ने जो इतना बड़ा बम मारा है 35 रुपए का कराची के आवाम के ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे पेट्रोल के वाले से? मुश्किल हो गया डलवाना, हालात बद से बद। अभी आप कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 270 का पेट्रोल। ये तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आप नाजामा जाएंगे या थोड़ा सा और आगे जाएंगे इसका तो खत्म हो जाएगा ये। बिल्कुल ऐसे ही है, दिन में 2-3 दफा पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, तो समझ ले 500 आप पेट्रोल के रोज के एक्सपेंस में निकाल दें। अच्छा जी हाँ। अच्छा यानी कि पेट्रोल कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पेट्रोल कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पेट्रोल कम होने की वजह से ही और चीजों पे रिलीफ आएगा। गवर्नमेंट ने अभी 35 रुपए का इतना बड़ा बम मारा है पेट्रोल महंगा करके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ज्यादा है हमारे साथ, आवाम के साथ, ये तो 250 रुपए भी पेट्रोल है, ये 250 रुपए पेट्रोल है, ये 250 से अभी 350 करने वाले। सुनने में ये आ रहा है कि ये 294 पे जाएगा, 294 हो सकता है 300 भी क्रॉस कर जाए। ये तो आवाम के साथ ज्यादती है ना बिल्कुल, ये तो इतना महंगा पेट्रोल आवाम अफोर्ड थोड़ी कर सकती है भाई। हम मारा है कराची के आवाम पर 35 रुपए का हुकूमत ने पेट्रोल के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेला और मारे। अच्छा गला घोट दे इंसान का, बेकार है हम लोग, बेकार है सारे, बेकार है, गला दबा दो हमारा, बेकार है हुकूमत, बेकार है। जरदारी भी चोर था, नवाज शरीफ भी चोर है। अच्छा इमरान खान से बड़ा चोर था ये, हम तो इमरान खान डाल के गया ना हम के ऊपर। अच्छा पहले भी तो चल रहा था पाकिस्तान, अब क्या हो गया पाकिस्तान को? सर ये जो अभी इतना बड़ा बम मारा गया 35 रुपए का कराची की आवाम के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल बढ़ाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये बम सिर्फ पेट्रोल पे नहीं मारा है, ये हर चीज पे मारा गया है। को आप इस टाइम पाकिस्तान की कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लेना, वो जो जिन जो उनके ऊपर बम गिर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो कोई भी सेक्टर हो, तबाह बर्बाद किया इन्होंने, और ना जिनको मैनेज कर सकती है गवर्नमेंट, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए और अपने मकसद के लिए यहाँ पर आए, ये समेटेंगे और चले जाएंगे। व्यूअर्स मगरिब की अजान भी हो रही है और यहाँ पर मैंने काफी लोगों के कमेंट्स लिए, आपको अजान की आवाज भी आ रही होगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, आजाद न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको सारे व्यू दिखाए मैंने आज के, तो जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को याद दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।